गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दलीप पेपाड़ा, सहाचार्य अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रमाव विचलन के विभिन्न आयामों को पढ़ा था, किस प्रकार से प्रमाव विचलन निकाला जाता है, सामूहिक प्रमाव विचलन कैसे निकाला जाता है, अगर कुछ चीजें नहीं दी हुई हो तो भी उसको किस प्रकार से निकालते हैं। पर सवाल करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमने 24 को 42 पढ़ लिया, 2 पहले था 4 बाद में था, हमने गलती से 4 पहले पढ़ लिया 2 बाद में पढ़ लिया। या कई बार सवाल करते समय, क्वेश्चन करते समय पूरा हमने सवाल कर लिया, बाद में पता चला कि एक वैल्यू को हमने गलत पढ़ लिया, तो हमको ऐसी स्थिति में पूरा सवाल वापस करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिससे हमने कोई अशुद्धि कर भी दी है तो उसके माध्यम से हम कैलकुलेशन में अर्थमेटिक मीन को भी सही कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी सही कर सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसी दृष्टि से आप अच्छी तरह से प्रमाव विचलन में पारंगत हो जाएं, प्रमाव विचलन से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप उसको हल कर सकें, इस दृष्टि से ही ये एक्स्ट्रा वीडियो आज बनाया जा रहा है। बाकी प्रमाव विचलन के बारे में लगभग हम सब बात कर चुके हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक समंग श्रेणी में कुल 100 आइटम्स है, उनका स्टैंडर्ड में बात करते हैं। एक समंग श्रेणी जिसमें 100 पद है, 100 पद है, उसका समांतर माध्य 50 आया हुआ है और प्रमाव विचलन 4 आया हुआ है। अब ये पूछा जा रहा है इसमें कि सिग्मा एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए, हमको पता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। समांतर माध्य हम निकालते हैं तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सिग्मा एक्स बराबर होगा एक्स बार गुणा एन, तो एक्स बार का मान 50 दे रखा है, एन का मान 100 दे रखा है, तो सिग्मा एक्स का मान 5000 होगा। सिग्मा एक्स बराबर 5000, बहुत सिंपल है। दूसरी चीज ये पूछी गई, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम करते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। हम इसको वर्ग करें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स बटे एन। ये आपको याद दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या सिग्मा एक्स स्क्वायर हम निकाल सकते हैं एन गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये पहला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है। तो अभी क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए यहां हम 100 आइटम्स रखेंगे, ये 16 रखेंगे क्योंकि ये 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 2500, तो ये हो जाएगा 251600। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान आया 251600। ये हमने पहला क्वेश्चन हल किया। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने हल कर लिया जिसमें एन बराबर 100 दे रखा था, अर्थमेटिक मीन 50 दे रखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा था, सिग्मा एक्स पूछा था, सिग्मा एक्स स्क्वायर पूछा। अब देखिए इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से क्या पूछ सकते हैं। देखिए अगला, एक श्रेणी में 20 आइटम्स है जिसका समांतर माध्य आया 20 और प्रमाव विचलन आया 5। अब बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला कि एक वैल्यू 13 थी, 13 के स्थान पर क्या पढ़ लिया, 30 पढ़ लिया। बोलने वाले ने 13 बोला, सुनने वाले ने 30 माना और उसको सॉल्व कर दिया। तो हमको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन को भी सही करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी सही करना है। तो देखिए इसके लिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। बहुत सिंपल है इसमें। देखिए वापस देखते हैं, एक श्रेणी का प्रमाव विचलन, 20 पदों की एक श्रेणी है जिसका समांतर माध्य 20 निकाला गया और प्रमाव विचलन 5 निकाला गया। बाद में पता चला कि एक आइटम 13 था, उसकी जगह 30 पढ़ लिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे। सिग्मा एक्स होता है एक्स बार गुणा एन, तो अगर 20 गुणा 20 बराबर 400। अब सही निकालेंगे इसको, सही सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 में से गलत राइट आइटम को जोड़ देंगे। 13 राइट है, जोड़ दिया, गलत आइटम को घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 387। क्या आ जाएगा, ये 382nd जो है, हम इसको निकालेंगे तो 383 आ जाएगा, 387 नहीं आएगा। तो सही एक्स बार निकालने के लिए 383 डिवाइडेड बाई
ट्वेंटी, 383 में 20 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.15। ये हमने अर्थमेटिक मीन जो हमारा 20 गलत आ गया था उसको हमने सही करना सीख लिया 19.5। दूसरी चीज सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर था एन गुणा स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था दूसरा फॉर्मूला। तो हम यहां क्या करेंगे, 20 स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर 25, एक्स बार का स्क्वायर 400, तो ये आएगा 20 गुणा 425। आ रहा है समझ में, 20 गुणा 425 तो आया 8500। 425 का 850 और एक जीरो लग गया। अब देखिए सही सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8500 में सही तो 13 का स्क्वायर जुड़ेगा और गलत 30 का स्क्वायर घटेगा, सही निकालने के लिए ये करेंगे। तो ये आएगा 8500 प्लस 169 माइनस 900, तो ये आपका सही आ जाएगा 7769। तो हमने क्या किया, पहले सिग्मा एक्स को करेक्ट किया फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर को करेक्ट किया, अब हमारा अर्थ जो प्रमाण प्रचलन है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आता है सही वाला। तो ये आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो भी एक ही बात है, हमने यहां एक्स बार लिख दिया एक्स बार का स्क्वायर, तो ये आया 7769 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 19.15 का स्क्वायर। ये देखिए हमने करेक्ट वाला यूज किया, पहले हमारा 20 था, 20 के बाद करेक्ट ऊपर ये हो गया था 19। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 4.66। तो पहले हमारा 5 था, अब क्या गया 4.66। इस प्रकार से अगर कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन को हम हल कर सकते हैं। अब करेक्शन इसमें तो एक आया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें करेक्शन दो भी आ सकते हैं, तो हम उसको भी सोल्व करना सीखेंगे। देखिए अगर दो करेक्शन आ जाए तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लें। तो देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है, 100 पदों की समान एक श्रेणी में समांतर माध्य आया 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5। बाद में पता चला कि दो आइटम थे जो 35 और 42 थे, गलती से पढ़े गए, देखो 35 को 53 पढ़ लिया और 42 को 24 पढ़ लिया, तो ऐसी स्थिति में हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इसको हम निकालते हैं। तो देखिए सिग्मा एक्स बराबर होता है एक्स बार गुणा एन, एक्स एक्स बार 40 गुणा 100, तो हमारा सिग्मा एक्स हुआ 4000। सही सिग्मा एक्स निकालेंगे, सही सिग्मा एक्स के लिए 4000 में राइट वैल्यू को जोड़ेंगे, 35 हमारी राइट वैल्यू है, 42 हमारी राइट वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू 53 है और रॉन्ग वैल्यू 24 है, तो वापस इसको जोड़ा पाया 4000। तो सही एक्स बार होगा 4000 डिवाइडेड बाय 100, तो वो का वही होगा। एक देखिए इस सवाल में संयोग है कि गलत वैल्यू का टोटल भी वही आया है और सही वैल्यू का टोटल भी वही आया है, इस कारण से जो समांतर माध्य है वो पहले भी 40 था, करेक्शन करने के बाद भी 40 है। दूसरा चीज हम लगेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला सेकंड निकाला था, तो ये 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 25 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 40 का स्क्वायर 1600, तो ये आया आपका 162500। अब इसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे सही सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो 162500 में सही वैल्यू को जोड़ेंगे, तो हम बोल इसमें जोड़ेंगे 35 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 42 का स्क्वायर जोड़ेंगे, रॉन्ग वैल्यू को घटाएंगे तो माइनस 53 का स्क्वायर को घटाएंगे और 24 का स्क्वायर को हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 162104। आपको कैलकुलेटर से आप वैसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसका करेक्ट करेंगे, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तो आएगा सिग्मा, करेक्ट यू लिख सकते हैं करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस करेक्ट एक्स बार का
स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो हम इसको लिखेंगे तो आएगा 162104 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 100 माइनस, ये तो वो कब ही आया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे 1621.04 माइनस 1600 तो आएगा 21.04। 21.04 का हम निकालेंगे तो आएगा 4.587। तो आप देखिए करेक्ट जो है, पहले 5 था, करेक्ट होकर आ रहा है 4.587। इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन में, कैलकुलेशन में अगर कोई गलती भी हो जाती है, तो एक आइटम या दो आइटम भी गलत हो गए, तीन आइटम भी गलत हो गए हैं, तो हम उसके लिए वापस पूरे सवाल को नहीं करेंगे। अगर आपने पहले से अर्थमेटिक मीन सही निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन सही निकाला हुआ है, तो केवल हम करेक्टेड वैल्यू, जो रॉन्ग वैल्यू उनको घटा देंगे और करेक्ट वैल्यू को जोड़ देंगे, इससे भी हम क्वेश्चन को वापस सही कर सकते हैं। थैंक यू। स्टैंडर्ड डेविएशन में लगभग हमने सारी चीजों को शामिल कर लिया है, और अगर आप ये सारे 2-3-4 वीडियो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड वो देख लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन परफेक्ट